हमारे रक्षा संवाददाता नीरज राजपूत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विपक्ष भी मोदी की ईमानदारी जानता है, हम राफेल सौदे को बोफोर्स नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक को पूरे 2 साल हो चुके हैं और इस मौके को पूरे देश भर में पराक्रम पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। लेकिन इन दिनों एक और खबर है जो कि सेनाओं से जुड़ी हुई है और सुर्खियों में है, और वो है राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े हुए सौदे को लेकर विवाद। आखिरकार क्या विवाद है राफेल विवाद, क्या वाकई में कोई राफेल विवाद है भी या नहीं, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद देश की रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। जो खबर है वो जो सेनाओं से जुड़ी हुई है, वह राफेल लड़ाकू विमान के सौदे से जुड़ी हुई, क्या वाकई में, क्योंकि आरोप लग रहे हैं उसके बाद प्रत्यारोप और फिर क्लैरिफिकेशंस भी काफ़ी सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा लगता है कि विपक्ष लगातार घेर रहा है सरकार को इस मुद्दे पर, राफेल विवाद पर? मैं एक विषय आपके सामने ज़रूर रखना चाह रही हूँ। मोदी जी सत्ता में आज नहीं आए, और जब आए तब से लेकर के गुजरात के चीफ मिनिस्टर के नाते और उसके बाद प्रधानमंत्री होने के बाद भी आज तक एक भी ऐसे आरोप नहीं हो पाए कि करप्शन है, इस मंत्रालय में करप्शन है, उस मंत्रालय में कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं। और विपक्ष को ये मालूम है कि करप्शन करने वाले आदमी ये नहीं है, और ऐसे नेता है हमारे जो गवर्नेंस के ऊपर, और वो उनके बैकग्राउंड हम सबको मालूम है, पैसा के लालच में या तो कुछ गड़बड़ करने वाले राजनीति हमारी पार्टी में नहीं है और मुख्यतः हमारी प्रधानमंत्री जी करने वाले नहीं। लगातार कोशिश होते आए कि कहाँ इनको कम दिखाने के लिए निकालें कुछ न कुछ विषय, और रफाल में यही कोशिश डेस्परेशन से हो रही है। उनका बौखलाहट है कि क्या इस साल भी, अगर आने वाले साल में चुनाव होते हैं, हम एक मुद्दा ही नहीं है हमारे हाथ में, क्या कौन से मुद्दा के ऊपर इस सरकार को कटघरे में खड़े रहने के लिए आप कोशिश करेंगे, मुद्दा नहीं है। इसीलिए इस विषय में कुछ ना कुछ गलत फहमी फैलाने के लिए कोशिश हो रही है, बेबुनियाद बेबुनियाद निराधार गलत फहमी, इसीलिए उनका आवाज़ भी चिल्लाने जैसे आ रही है, और उस आवाज़ के साथ क्या बोलते हैं, गंदा शब्द उपयोग करना, बुरे शब्दों में गाली गलौज करना, और इस देश के प्रधानमंत्री जी को, मगर मैं आश्चर्यजनक नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो जब से गुजरात के सीएम थे तब भी कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आ गए कि गाली गलौज करो, नाम ऐसे गंदा गंदा नाम निकालो। और आजकल मुझे एक आश्चर्यचकित हो रही हूँ एक विषय के ऊपर कि विदेश का नेतागण के मुंह पर भी आपके गंदा शब्दों के डाल करके इन्होंने ऐसे कह दिया प्रधानमंत्री जी चोर है ऐसे करके। मैं ज़रूर इसको पब्लिकली मांग पूछना चाहती हूँ, क्या पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस का आपके प्रधानमंत्री मोदी जी चोर है ऐसे बात बोले? मुझे कहने में भी संकोच आता है, और इतना गर्व से वो हमारे देश का प्रधानमंत्री चोर है ऐसे विदेश में कोई गर्व के साथ बोलकर घूम रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक भी आरोप लगा नहीं सकते, ये क्या तरीका है? अब मैं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान पर भी बात करेंगे, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेती सरकार तो शायद इतना विवाद नहीं होता, या ये विवाद होना ही था क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, उसको कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए इस तरह के विवाद पैदा किए? नहीं, अगर जवाब सुनने को और जवाब को पहले अपना करके फिर उसमें और थोड़ा कम होमवर्क करके सरकार को गलत साबित करना है तो खड़े होकर के आपने इस जवाब दिया जो सही नहीं है, हम मानते हैं ये गलत है, फिर जवाब मांगो, दोबारा बार बार मांगो, अगर सही जवाब नहीं मिलता तब बोलो कि क्या करना है। नहीं, आप जवाब हमारे सुन नहीं रहे हैं, और आपके जो मन में आता है एक जगह पर एक रेट, दूसरे जगह पर दूसरे रेट, और बेसिक रेट के सामने दूसरा जो बंदूक के साथ रेट है, शायद वो रेट है मुझे मालूम नहीं, मगर ये सब इधर उधर खिचड़ी पका करके जनता को गुमराह करके
मगर सच मानना चाहिए सब इनका बात को। हम तो जवाब दे रहे हैं, भैया पार्लियामेंट में 3 बार दे चुके हैं बेसिक एयरक्राफ्ट का प्राइस, उसको निकालो। आपका जो समझौता ही नहीं हुआ उसका रेट से कंपेयर करो। हम तो बोल रहे हैं 9% हमारी प्राइस कम है। फिर आओ अगले, इसी के ऊपर अगर प्रश्न है तो दोबारा पूछ लो। नहीं, आप इसमें एक पद्धति देख सकते हैं। शुरू हुआ बेसिक रेट का, बेसिक रेट पार्लियामेंट में बोल चुके हैं नहीं मानने को तैयार नहीं है, ठीक है पार्लियामेंट में जवाब तो रिटर्न रूप में देते हैं। उससे शिफ्ट हुआ अगले बात, बेसिक को बंदूक के साथ क्या रेट में कंपेयर करो, हमारी बंदूक का रेट कुछ बोलो वो गलत है कि सही है मालूम नहीं है, मगर हमारे बंदूक के रेट आपके बेसिक रेट दोनों कंपेयर करो। कहाँ, इंग्लिश में बोलते हैं ना एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रही हो, सही है क्या वो, हो गया। उससे आगे बढ़ो, HAL, इन सब का जवाब मिल गए, मानने को तैयार नहीं है जवाब मिल गया, मगर आगे बढ़ते जा रहे हैं। HAL को क्यों नहीं दिया, आपने दिया क्या, समझौता नहीं किया, मगर HAL के साथ Dassault का अग्रीमेंट भी नहीं हुआ। आज कई मैंने पढ़ा और कोई मेरे से बोल रहे कि 95% खत्म हुआ। अरे 95% से डील होता है क्या, नहीं आपने तो नहीं दिया। फिर वैसे भी HAL के ऊपर कुछ ध्यान नहीं था, आज HAL भजन कर रहे हैं ना HAL का। मालूम है क्या राहुल गांधी जी को, HAL दूसरा एक और भी इस देश में है जहां डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं, हम लाइसेंस के ऊपर बना रहे हैं, उसका क्या हालत है आपने देखा, उसका उसको उसका कैपेसिटी बढ़ाया नहीं। HAL का नाम अभी भजन के लिए काम आ रही है, उसके ऊपर कुछ नहीं काम किए, ठीक है। HAL हो गया, अभी बोलो अरे रे फलना को क्यों दिए, कुछ और किसी और को नहीं दिए, इसमें कुछ मतलब है। फलना का अग्रीमेंट आपके समझ जमाने से है जी, Dassault रिलायंस के साथ तब भी किया, उसके बाद में बायों की आपस में कुछ झगड़ा हुई, कुछ ऐसे हुए किसके पास क्या गया हमें तो मालूम नहीं है, वो कमर्शियल अग्रीमेंट है वो, ठीक है वो भी हो गया। अभी आने वाले दिन में ये भी विस्फोट होने वाले हैं फ्रांस में, आपको कैसे मालूम है जी, हुआ भी कुछ स्टेटमेंट किसी ने दिया, आपको पहले से कैसे मालूम उसमें क्या है, आपने जाके रिक्वेस्ट किया क्या वो, फिर अभी कैंसिल ही कर दो। जिससे मुझे लगता है कि आप ही के 10 साल में 42 स्क्वाड्रन से लेकर के 33 स्क्वाड्रन तक घटते आए इंडियन एयरफोर्स के बल, मन में ये विचार रखे कि कुछ करें जल्दी करें अच्छा करें, एयरफोर्स के लिए मंगवाएं कहीं से, उनका ऑपरेशनल रेडीनेस के ऊपर तैयार रखें, इसके ऊपर आपने कुछ नहीं किया। सो आखिर आपके मकसद क्या है इसमें, आपने 10 साल बीते 42 to 33 तक पहुंच गए एयरफोर्स, फिर भी एरोप्लेन खरीदा नहीं है। हाँ और जब हम खरीद रहे हैं क्या जल्दबाजी है, हाँ जल्दबाजी ठीक है, मगर क्यों 36 पूरे 126 क्यों नहीं खरीद रहे हो, क्या चाह रहे हो जी आप, क्या आपके मन में क्या है विषय। रक्षा मंत्री जी, क्योंकि लगातार बात आ रही है 9% सस्ता है, रक्षा राज्य मंत्री ने भी पार्लियामेंट में बताया था कि बेसिक प्राइस क्या है, क्या आप इस बात का भरोसा देश को दे सकती हैं कि वाकई में जो ये फाइटर प्लेन जो हमारे यहाँ आ रहे हैं 36, ये जो पुरानी सरकार थी UPA सरकार उससे वाकई में सस्ते 100% जो डिस्कशन में ही रहा UPA का, उससे हर पहलू में जो हम इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट के द्वारा खरीद रहे, चाहे वो उसमें जो भी एडिशनल फिटमेंट्स हो रही है, इंडिया स्पेसिफिक हो रही है, गारंटीज हो रही है, सर्विस का हो रही है, पार्ट्स का हो रही है, ऑपरेशनल रेडीनेस का हो रही है, हर किस्म में इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट के द्वारा जो हो रही है वो बेहतर है। बेसिक प्राइस में 9% हमारी बेटर प्राइस है, अल्टीमेट में 20% हमारा बेटर प्राइस है, हाँ एटलीस्ट 20% बेटर है। और इन सब के साथ पूरे बिना दलाल, नो क्रोनी कैपिटलिज्म, नो करप्शन के साथ ये डील हुआ है। लेकिन आपने क्रोनी कैपिटलिज्म की बात की, जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं ओलांद, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कहा कि इस कंपनी यानी रिलायंस को ये सौदा देना चाहिए ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट, क्या वाकई में ऐसा है।
ऑफसेट के बारे में आपको शायद जानकारी पूरे मालूम है, फिर भी मैं आपके दर्शक के लिए ये विषय बोलना चाह रही हूँ। ऑफसेट रूल्स यूपीए के ज़माने की है, उसमें पब्लिक सेक्टर के साथ करो, प्राइवेट सेक्टर के साथ करो, ये सब उन्हीं के समय का रूल है। कहीं ऐसा आपको लगा, क्योंकि लोग ये बात करते हैं कि कहीं ये राफेल सौदा बफोस तो साबित नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बार बार ये बात तो बोल रही हूँ इस बहाने कि डिफेंस जैसे मंत्रालय निर्णय भी लें और ट्रांसपेरेंटली पारदर्शिता के साथ लें, और बीच में बिचौलियों का, दलालों का कुछ भी जगह ना दें। ये तीनों मापदंड के साथ मैं कांग्रेस को ये बात बोलना चाहती हूँ कि डिफेंस मिनिस्ट्री जैसे मंत्रालय में, बाकी मंत्रालय में भी, कहीं भी इस सरकार में दलाल का जगह नहीं है। मगर निर्णय भी ले रहे हैं हम, ये नहीं है कि दलाल नहीं है, निर्णय भी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कुछ भी खरीदा नहीं है। आपको याद होगा, इस बहाने में बोलना चाह रही हूँ, 2014 में सरकार आने के समय चर्चा क्या था? अरे बंदूक है मगर उसमें डालने वाले गोली नहीं है, आर्मी अगर 10 दिन का युद्ध होता है उनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों 10 साल के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ऐसे हालात में छोड़कर चले गए आप लोग? हम इन सब को खरीद करके आज मैं गर्व से ये बात बोलना चाहती हूँ कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हाथ में वेटिंग लिस्ट नहीं है, सब खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुके हैं। कम से कम बुलेट तक नहीं खरीदे आप? जवान का हालात मन में अगर आप रखते हो, बुलेट प्रूफ वेस्ट खरीदते, वो भी नहीं खरीदे? ऐसे कि ऐसे ही पड़ा, जहां आपको दलाल नहीं मिला आप खरीदा नहीं है। शायद मैं, मेरे मन में ये संकोच से के सोच आ रही है कि क्या उसी के कारण राफेल भी नहीं खरीदा, दलाली ठीक से नहीं बैठा क्या? मैं यहाँ खत्म करने वाला था, लेकिन आपने दलाली की बात की, देश की जो सब एक बड़ी पार्टी है उनके जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर एक डिफेंस जो डीलर है, आर्म्स डीलर है, उसके साथ संबंध को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या रक्षा मंत्रालय भी कहीं ना कहीं चिंतित, या रक्षा मंत्रालय भी इसको कहीं से देख रहा है? मैं तो मेरी तरफ से ये एक विषय बिल्कुल बोलना चाहती हूँ कि इस सरकार में दलाल नहीं है, और हम आगे देख करके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए जनता के पैसा को सही इस्तेमाल करके इस देश का सुरक्षा सही रखने के लिए ही ध्यान दे रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ रक्षा मंत्री जी थी निर्मला सीतारमण, जो कि बात कर रही थी राफेल सौदे से जुड़ी हुई, जितनी भी भ्रांतियाँ हैं इस राफेल विवाद को लेकर, और विवाद जितना हो रहा है उन सब पर उन्होंने अपनी बात रखी है, और साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी कि पाकिस्तान अगर कोई किसी भी तरह की कोई भी हरकत अगर बॉर्डर पर करता है तो हमारी सेनाएं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़ दिल्ली। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।